आदाब नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा, लेकर आई हूँ आपको एक खास सफर में। स्कूल की टेंशन खत्म हो गई और अब बारी है कॉलेज की बिंदास लाइफ की। मार्क्स की टेंशन के बाद अब सिर्फ ये टेंशन बची है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले। चलिए इस टेंशन को भी हम आपकी दूर कर देते हैं। आपको बताते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेज है टॉप 10 में, कौन से कॉलेज ऐसा है जिसमें आपको मिल सकता है एडमिशन, और ये कि कौन से कॉलेज की क्या खासियत है सब बताएंगे आपको। चलिए तो फिर चलते हैं मेरे साथ इस खास सफर में जिसका नाम है कैंपस कारवा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नए स्टूडेंट एडमिशन के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। हो भी क्यों ना, डीयू देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। यहाँ 16 फैकल्टी, 77 कॉलेज, 86 एकेडमिक डिपार्टमेंट है, जहाँ SOL को मिलाकर 5 लाख के करीब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इस बार डीयू में 54,000 सीटें हैं जिनके लिए एडमिशन जारी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ नए स्टूडेंट्स का आना जारी है। एडमिशन्स लेने के लिए स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी, कितनी एक्साइटमेंट है, आइए उन्हीं से जानते हैं। बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी न्यू लाइफ शुरू होने वाली है। स्कूल तो अब खत्म हो गया, टेंशन खत्म हो गई, मार्क्स भी आ गए, अब कौन से कॉलेज में आप ट्राई कर रहे हैं? कॉलेज ड्यू का तो है, सब में भर रहे हैं, फॉर्म्स भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हमने सब में किया है, पर वही है कि कट ऑफ कहाँ जाती है। मेन सबसे बड़ी बात है, रजिस्ट्रेशन तो कोई भी कर ले पर कट ऑफ का बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, कहीं मिलता है तो इट्स वेरी गुड, डीयू इज़ डीयू, बट आईपी में फिर हमने वही रखा हुआ है कि एक आईपी हमने रखा है कि हमें इसमें ही मिल जाए। और जिस तरह तक डीयू का सवाल है, बहुत क्रेज़ होता है डीयू का, और मेन कैंपस में जहाँ अभी हम खड़े हैं नॉर्थ कैंपस में, यहाँ रहने का भी बहुत क्रेज़ होता है, कितना क्रेज़ आपको लग रहा है इसका? क्रेज़ नहीं है, हमें मिलना ही नहीं है परसेंटेज कम आई है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ आई जाती है तो चांस नहीं है। तो SOL में ट्राई कर रहे हैं आप? नहीं, SOL नहीं, DU में और दयाल सिंह, शहीद भगत सिंह, इनमें ट्राई करूँगा, वरना फिर देहरादून में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ट्राई किया हुआ है, वहाँ पे जाऊँगा। ओके, और आपको क्या लग रहा है एडमिशन मिल जाएगा? वैसे एडमिशन का छोड़ो, हम ये बात करते हैं कि स्कूल से कॉलेज की लाइफ कितनी अलग होने वाली है, क्या लग रहा है? कॉलेज लाइफ इज़ लाइक रियली ऑसम, और स्पेशली DU तो मतलब यहाँ पे लोग आने के लिए बहुत मरते हैं, बहुत ही ज़्यादा, दैट इज़ वाई यहाँ की कट ऑफ इतनी हाई है। एंड प्लस नॉर्थ कैंपस की तो फील ही मतलब इट्स लाइक टोटली ऑसम, सो इट्स मतलब फिंगर्स क्रॉस्ड हो जाए तो आई एम लाइक रियली हैप्पी, बट नहीं होता देन आई विल ट्राई समवेयर एल्स। और ये भी होता है कि कॉलेज की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल अलग होती है, जैसे स्कूल में जो टेंशन होती है, सुबह सुबह उठना है, तैयार होना है, गेटअप होके वही 12 साल एक ही ड्रेस में जाना होता है, उसको लेकर क्या है? यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, वो अच्छी बात है, कोई भी हम पर वो ना कि सब डिसाइड करना पड़ा, अच्छा एक दिन ये कपड़े पहन लिए, दूसरे दिन ये नहीं पहनने, तो ये एक अलग है, बस एक फील अच्छी है कि हाँ कॉलेज में आ रहे हैं। पर स्कूल तो स्कूल है, वो बहुत मिस होगा स्कूल, तो फ्रेंड्स अलग थोड़े होंगे, नए मिलेंगे, पार्ट ऑफ लाइफ तो यही है। और ड्रेसिंग को लेकर क्या लगता है, डीयू में एडमिशन हो गया तो ड्रेसर्स नया लुक, नया स्टाइल होगा? हाँ हो गई, ऑब्वियसली सब आते हैं, सबसे अच्छा लगने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। और नए फ्रेंड्स को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है, नए फ्रेंड्स होंगे, नया जोश होगा, और स्कूल से बहुत अलग एटमॉस्फेयर, बहुत अलग एनवायरनमेंट होगा? फ्रेंड्स तो मतलब ऑब्वियसली नॉर्थ कैंपस में सारे दिल्ली वाले आते हैं, तो मतलब होप सो सारे फ्रेंड्स जो मिलेंगे न्यू अच्छे ही होंगे सारे, एंड बस मिल जाए एडमिशन तो मतलब लाइफ वुड बी लाइक अमेजिंग। चलिए तो एडमिशन मिल जाए सबसे पहले तो ये टेंशन है, लेकिन ये टेंशन भी खत्म हो जाएगी जब यूनिवर्सिटी की कट ऑफ आएगी, और कट ऑफ के साथ साथ टेंशन के साथ ये भी तय हो जाएगा कि कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। कैंपस कारवा आ पहुंचा है हंसराज कॉलेज, डीयू की टॉप 10 कॉलेजों में से एक। हंसराज कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना हर स्टूडेंट देखता है। 12वीं के बाद अगर आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स हैं, तो आपका चांस भी बन सकता है हंसराज कॉलेज में। और क्या खासियत है हंसराज कॉलेज की, इसकी बिल्डिंग से लेकर इसके एलुमनाई तक कौन कौन रह चुके हैं इस कॉलेज में सब बताएंगे आपको। तो चलिए ले चलती हूँ आपको हंसराज कॉलेज के सफर पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी का हंसराज कॉलेज, DAV कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी ने इसे 26 जुलाई 1948 में एजुकेटर और नेशनलिस्ट महात्मा हंसराज की याद में बनाया था। तब ये सिर्फ बॉयज कॉलेज था
1978 में इसे कोएड कर दिया गया। जिस तरह से हंसराज कॉलेज की परसेंटेज बहुत हाई जाती है, तो एक सवाल मन में उठता है कि क्या यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई करते हैं या थोड़ी सी मस्ती भी करते हैं। ये जानने के लिए बात करते हैं कुछ ऐसे ही पुराने स्टूडेंट से। हमारे साथ हंसराज कॉलेज की एक स्टूडेंट तृप्ति मौजूद है। तृप्ति, ये बताओ कि यहाँ की कट ऑफ देखते हैं हम कि 90 से अबव जाती है, 95 से भी अबव जाती है, तो क्या यहाँ सारे सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं? नहीं, पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं होता है। सारा तो हैपनिंग प्लेस यहाँ का एलपी ही है। सारा क्राउड आपको एलपी पे ही दिखता है। और बाकी यहाँ पे सोसाइटीज़ भी हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, तो पढ़ाई तो बहुत ही कम होती है। जो सिर्फ सेमेस्टर जब आने वाला होता है या पेपर्स जब आने वाले होते हैं तो तभी होती है। लेकिन परसेंटेज इतनी हाई जाती है, स्टूडेंट्स बस यही प्रे करते हैं कि किसी तरह से हंसराज कॉलेज में हो जाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम हंसराज कॉलेज से जुड़े हुए हैं। इट्स वर्थ, आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो आप खुश होते हो। तो एक्चुअली हंसराज भी है, फिर नॉर्थ कैंपस भी है, तो इट्स व्हाट एल्स यू वांट, जस्ट एन आइसिंग ऑन द केक। तो देखा आपने किस तरह से पुराने स्टूडेंट्स भी यही कह रहे हैं कि हंसराज कॉलेज एक हैपनिंग प्लेस है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ कई सोसाइटीज भी हैं जिनमें पार्ट लेकर आप अपनी कॉलेज लाइफ को और ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। हंसराज कॉलेज कितना फेमस है ये तो हमने आपको बताया, लेकिन नए स्टूडेंट्स यहाँ क्यों आ रहे हैं, कितना क्रेज है, कितनी एक्साइटमेंट है हंसराज कॉलेज को लेकर, बात करते हैं कुछ ऐसे ही स्टूडेंट्स से जो यहाँ एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं। बताइए क्या क्रेज है हंसराज कॉलेज का? जितना हमें नॉलेज से न्यूज़पेपर से पढ़ा है कि एक तो ये नॉर्थ कैंपस के अंदर आता है, दूसरा एट अ टाइम एक डिग्री मैटर करती है डीयू की, मगर हम नॉर्थ कैंपस हंसराज करोड़ी मल्ली कॉलेज इसलिए चाहते हैं, कुछ क्राउड होता है उनकी वजह से, ग्रुप जो होता है यहाँ पे एक तरह से सेल्फ मोटिवेशन मिलती है अपने आपको कि सिर्फ मज़े भी करने हैं मज़े के टाइम पे और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी करनी है। दूसरा जो फेस्ट वगैरह हैं जो यहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं, डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ हम अपने अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनकी वजह से नॉर्थ कैंपस कॉलेज फेमस है। एरिया अपने में हम भी फर्स्ट टाइम विजिट करें यहाँ पे, जो एरिया है क्राउड है काफ़ी अच्छा लगा नॉर्थ कैंपस में आके, लेट्स सी मिलता है नहीं मिलता। अच्छा, हंसराज की बात करें तो सबसे पहले कौन सा नाम आपके जहन में आता है हंसराज कॉलेज के एल्यूमिनाइज में से? हंसराज कॉलेज के एल्यूमिनाइज में से शाहरुख खान, यस शाहरुख खान, एंड ही इज माय फेवरेट एक्टर एज वेल, सो उसका आता है हंसराज। हर तरीके से अच्छा ही बेनिफिट्स दे रहा है हमें, क्राउड अच्छा है, देन द डिग्री ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट टू नॉर्थ कैंपस, तो फिर हंसराज प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फेस्ट एंड एवरीथिंग, द लाइफ इज सो हैपनिंग इधर, इसीलिए हंसराज को प्रेफरेंस तो है, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस। ओके, और अगर हम यहाँ हंसराज की बिल्डिंग की बात करें, इसका इन्वायरमेंट, इसकी क्लासरूम, अभी कुछ देखा आपने यहाँ पर? अभी ऐसे जो हम और नॉर्थ कैंपस की बिल्डिंग ऑब्जर्व करते आए हैं, अगर रिसेंटली कंपैरिजन करें हम अपने स्कूल बिल्डिंग से, क्योंकि रिसेंटली हम स्कूल बिल्डिंग से पास, हम स्कूल इवेंट्स के लिए जाते थे तो उधर बिल्डिंग्स काफ़ी डिफरेंट थी क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल थे। एज ए दिल्ली गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ रही यूनिवर्सिटी, तो एज सच उतनी हमें एक्सपेक्टेड नहीं, अच्छी नहीं लगी। बट अगर पर्टिकुलर हंसराज की बात करें, अदर कॉलेजेस, हंसराज की बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेल देन ऑल द अदर, द श्रीराम कॉलेज वी हैड सो मेनी एक्सपेक्टेशंस उससे, but then Hansraj ki building and everything is very good, but at the end of the day building doesn't matter, what matters is the how academic. You present yourself among so many people here, to percentage bahut high jati hai yahan ki cutoffs ko lekar kya expectation hai is bar hi jo humne suna hai ki drop honge percentage aur hone bhi chahiye kyunki last year jis tarike se 100% cutoff gayi hai wo bahut hi kuch unrealistic situation thi, to cutoff kam to honi chahiye, to चलिए आप दोनों अपना एडमिशन के लिए ट्राई कीजिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो देखा आपने स्टूडेंट्स में कितना क्रेज है हंसराज कॉलेज को लेकर। हंसराज कॉलेज की अगर बात करें तो ये एक ऐसा कॉलेज है जहाँ से पॉलिटिशियंस भी निकले हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी निकले हैं, और इसके अलावा अगर बॉलीवुड की हस्तियों की बात करें तो वो लिस्ट तो काफी लंबी है। सुपरस्टार शाहरुख खान का नाम इस कॉलेज से जुड़ा हुआ है, कई पॉलिटिशियंस का नाम इस कॉलेज से जुड़ा हुआ है, यानी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, और स्टूडेंट्स बस प्रे कर रहे हैं कि कट ऑफ उतनी हो जितने उनके मार्क्स आए हैं।